है और उसको रन करने के लिए उसमें सामान डालना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या हमने उतना कुछ लागत लगाया है यहाँ पे? शायद नहीं, है ना? शायद नहीं। तो दोस्तों, सब मिनिमम चार्जेस में स्टार्ट हो जाता है, मिनिमम अमाउंट में स्टार्ट हो जाता है। और बात करते हैं, हर कोई कर सकता है इस काम को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे बुजुर्ग हो, है ना? हर कोई कर सकता है इस काम को और अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं साथियों इस व्यवसाय में, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग, दूसरे जो फील्ड में अगर मैं बात करूं, कहीं भी आप जॉब अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आपकी डिग्री मांगते हैं, आपकी मार्कशीट मांगते हैं, मांगते हैं ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी भी काम के लिए आप जाइए, अप्लाई करिए, आपको सबसे पहले आपकी एजुकेशन पूछा जाएगा, क्या आपने कहाँ तक की पढ़ाई किया है। सही बोल रहा हूँ लेखराम जी? लेखराम सर, सही बोल पा रहा हूँ मैं? सही। किसी भी फील्ड में जाएंगे दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ तक की पढ़ाई किए हैं, क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन आप में से एक भी व्यक्ति बता दो जिनको इसने पार्टिसिपेट कराया गया होगा, उनको पूछा गया होगा कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, पूछा गया है? शायद नहीं, शायद नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, लोगों का वीडियो ऑन होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कोई सिखाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं एज ए टीचर सिखाने नहीं आया हूँ मैं, है ना? जो जानकारी मैंने अभी तक यहाँ से मैंने सीखा है, उसी जानकारी को मैं आप लोगों तक के पहुंचाने के लिए आया हूँ। तो रिप्लाई करते चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हमको वो हर छोटी छोटी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है ना? हर छोटी छोटी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। समय समय में मीटिंग वगैरह किया जाता है, समय समय में जूम मीटिंग तो कंटिन्यू हो ही रहा है ना? हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा काम करती है, सही है? क्योंकि तो जो कुछ भी हम बोल पा रहे हैं, अधिकतर लोग हैं जिनको मैं यहाँ जानता हूँ साथियों, इस अभी जो इस जूम पैनल में जो दिख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ढंग से अपना नाम भी नहीं ले पाते थे एक समय पहले, और आज अगर बात करो तो दिन भर बाबा लोग टाइप का प्रवचन देने के लिए स्टार्ट बढ़ जाएंगे अगर बोला जाए उनको तो। सही है अमृतलाल सर? सारा एजुकेशन यहीं का है, यहीं से हमने सीखा है ना? बहुत सारे लोग थे, एक बना बुनाया सिस्टम है साथियों, यहाँ पे हम जिस काम को करने वाले कर रहे हैं उस काम के लिए बना बुनाया सिस्टम है, अलग से कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को बोला जाए, सपोज यहाँ से नागपुर जाना है लेकिन पैदल जाना है, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, लेकिन वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन बना बुनाया सिस्टम है, सरकार ने ट्रेन चला रही है भाई, बस चला रही है ना, फ्लाइट चल रहे हैं, जो सिस्टम है, जहां तक हमको जाना है, जैसे कि बस से जाना है तो बस स्टेशन तक पहुंचो, बस में बैठो, नागपुर चले जाओ, अपना काम धाम निपटाए वहां पे, जो भी अपन काम लेके जा रहे हैं, वापस फिर अगली बस में बैठ के आ गए। उसी प्रकार ट्रेन का है, जहां से आप जिस भी जगह से हैं वहां से ट्रेन बैठिए, नागपुर पहुंच जाइए, अपना काम वाम फ्री होके वहां से अगले दिन जब भी आपको लगता है रिटर्न का, रिटर्न आ गए। ये साथियों, अच्छे अच्छे उत्पाद होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अच्छे अच्छे उत्पाद होते हैं, जैसे हमारे पास में है अभी बहुत सारे उत्पाद हैं। अगर मैं बात करूं, सेल्स केयर वेली टॉक्स है, सी बत्थान है ना, यूमो बूस्ट है, और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट अभी जो वर्तमान में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट चल रहा है दोस्तों, हर एक किसान की जरूरत है, हर किसान इस प्रोडक्ट को लेंगे, ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं लूंगा, हर किसान की जरूरत है दोस्तों। वो हमारे पास है एग्री बूस्टर करके,
है ना। एग्री बूस्टर के बारे में हमारे एमडी सर ने कल बहुत बेहतरीन जानकारी बताया हुआ है, और जिन्होंने नहीं कल की ट्रेनिंग अटेंड नहीं किए कर पाए होंगे जो वो गोल्ड, वो वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, उस वीडियो को जाके बार 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 देख सकते हैं साथियों, क्योंकि हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम दूसरे को बता पाएंगे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हजारों लोग अपने लीडरशिप में काम कर पाए हैं, हजारों लोग हैं जो अपने आप में निखार ला पाए हैं। ये काम लीडर बनाने का है, इस काम के माध्यम से कई सारे लीडर निकले हैं जो हर फील्ड में जाके अपना झंडा गाड़ रहे हैं दोस्तों। इस काम के माध्यम से पेसिव इनकम आता है, ठीक है, इस काम के माध्यम से ना पेसिव इनकम आता है। हम कोई भी काम कर ले, जब तक काम तब तक पैसा, किसी भी फील्ड में करे जब तक काम तब तक पैसा। लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है, हम अगर अच्छे से मेहनत करके आज अपना टीम बना लेते हैं और हम किसी कारणवश नहीं रहते, किसी कारणवश नहीं रहते, तो दोस्तों यहाँ से आने वाला जो इनकम है हमारे नॉमिनी के नाम में ट्रांसफर हो जाता है ना। अभी वर्तमान में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर मैं बताने बैठूँ ना शाम हो जाएगा, 8 बजे वाला ट्रेनिंग ही नहीं बता भी देता मैं। दोस्तों कई सारे लोग हैं यहाँ पे जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी उनके परिवार वालों को इनकम आ रही है। ठीक है, याद राम जी आवाज आ रहा है ना? ठीक, धन्यवाद। समय की आजादी रहती है, इस काम को करने के लिए समय की आजादी रहती है। किसी भी व्यक्ति को बोला गया है क्या, लेखराम सर आप दुकान में मत बैठो, ऐसा कुछ बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है ना। आपकी मर्जी भाई, आपको जब भी लगता है, जब समय मिलता है तब करिए। सही बोल रहा हूँ दोस्तों? समय की आजादी होती है। आज अच्छे से हम भिड़ के अगर काम कर लेते हैं, एक समय के बाद में इतना समय रहता है हमारे पास में कि हम उस समय को कहाँ व्यतीत करें ये सोचना पड़ जाएगा खुद को, क्योंकि इनकम आ रही है ना, भरपूर समय है आपके पास। परिवार वालों को समय देने की बात समय आ जाता है, एक समय के बाद आपके काम का फल आपके परिवार वालों को मिलने वाला है एक समय। आज भले हमको लग रहा होगा, शुरुआत में भले हमको लग रहा होगा कि यहाँ पे काम ज्यादा है, यहाँ पे काम मेहनत ज्यादा है, तो दोस्तों आज मेहनत कर लोगे, क्योंकि एक कहावत है, राजा की तरह काम करो और कुत्ते की तरह जिंदगी जियो। मैंने कहीं पे सुना हुआ है, राजा की तरह काम करो और कुत्ते की तरह जिंदगी जियो, लेकिन दूसरा पहलू है उसका, कुत्ते की तरह काम करो उसके बाद राजा की जिंदगी जियो, क्या ज्यादा बेटर है? चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा मैं दोस्तों। राजा की तरह काम का मतलब क्या होता है? आज जो हम काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5 की जो ड्यूटी हम जो करते हैं उसको लोग बोलते हैं राजा की काम। मेरा तो भाई राजा वाला नौकरी जा रहा है, बस ठसके से 9 बजे निकलता हूँ घर से, शाम को 5 बजे आ जाता हूँ, यही कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है ना? क्योंकि मैंने भी कहीं से सुना हुआ है ऐसा ही कुछ होता है। दोस्तों आप लोगों के हिसाब से क्या ज्यादा बेटर है, राजा की तरह 9 से 5 ड्यूटी करना कि कुत्ते की तरह काम करना, पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? पहला या दूसरा? जिनका वीडियो ऑन है वो भी सारा कर सकते हैं, दूसरा ना, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले काम में क्या है दोस्तों, दूसरे वाले में पहला तो हो गया 9 से 5, मेरा तो भाई 9 बजे छसके से 9 बजे जाता हूँ, शाम को 5 बजे आ जाता हूँ, वहाँ कहाँ यार कुछ काम धाम रहता नहीं, वो अलग बात है कि वहाँ अपना पूरा निचोड़ लिया जाता है हमको जो है वहाँ पे, वो अलग बात है। लेकिन दूसरे जब भी कोई बताया जाता है ना, यकीन नहीं साथियों मेरी बात पे, तो कोई भी कर्मचारी होगा, कोई भी जॉब पर्सन होगा, उनको पूछ के देखिएगा, वो यही बोलेंगे कि भाई मेरा तो यार राजा टाइप का ड्यूटी है यार, जाता हूँ ठसके से 9 बजे जाता हूँ, पहुंचते पहुंचाते 10 बज जाता है, इधर उधर करते कुराते फिर 1 बजे लंच हो जाता है, फिर लंच वंच करके 1-2 घंटा टाइम रेस्ट करने के बाद में ऐसे तैसे करके फिर छुट्टी टाइम हो जाता है, यही जी बोलेंगे। लेकिन हम बोलते हैं दोस्तों कुत्ते की तरह काम करते हैं, 1 से 2 साल कुत्ते की तरह काम करते हैं, बाकी के बचे जिंदगी को राजा की तरह जीते हैं।
अब एक्चुअल जिंदगी जो है वही है दोस्तों, क्योंकि उस समय आपके पास भरपूर पैसे रहेंगे, भरपूर समय रहेगा, मान सम्मान रहेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको गिनाते गिनाते ना टाइम निकल जाएगा साथियों। आपके काम का फायदा आपकी पीढ़ियों को भी मिलने वाला है, इस काम का फायदा आपको पीढ़ी को भी मिलने वाला है। देश विदेश की यात्रा, अभी हमारे कुछ साथी मनाली गए हुए थे, सही है? अभी हमारे कुछ साथी मनाली गए हुए थे, और साथियों मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगा, जो लोग गए हुए थे वो ही बता पाएंगे वहां का फीलिंग क्या है। भगवती सर दिख रहे हैं मेरे को, सर भगवती सर को अनम्यूट का ऑप्शन देंगे क्या सर? मजा सर, मजा सर, आवाज आ रहा है मेरा? साथियों अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते। अमर सर को देख लेता हूँ। अच्छा मैं ही होस्ट हूँ, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि क्या है इस फील्ड में मैं नया हूँ। देख लेता हूँ, भगवती सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है, कहाँ से जाएगा कहाँ से जाएगा? हाँ भगवती सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, आप यहाँ से। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार साथियों, नमस्कार सर, नमस्कार, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही सर। चलिए आ रहा है। हाँ साथियों, आप सभी को मैं भगवती प्रसाद साहू सुबह की मॉर्निंग के लिए राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। साथियों जैसे कि सर बता रहे हैं मनाली ट्रिप, अब उसका बताना ही बहुत मुश्किल है सर, बहुत ही शानदार ट्रिप था। अब इसको ना जुबानी बताने के लिए मतलब जाना बहुत ही पड़ेगा, मुश्किल जाएगा सर, लेकिन हाँ वहाँ जाना वहाँ पड़ेगा। जाके अगर आते ना तो सही शानदार, यानी कि वहाँ का वादी है, पहाड़ के बीच में, यानी हम लोगों का रिसॉर्ट बना हुआ था, होटल था, और उनके बाद हम लोगों ने जब दूसरे दिन बर्फ में गए थे सर, जो टिकुला घाटी, वो एक 16,580 फीट ऊपर गए थे, मतलब भूमि से लेकर के हम 16,580 फीट ऊपर गए थे। वहाँ का मौसम और क्या पूछना सर, बहुत ही मजा आ गया सर। और सर जैसे कि हमारे सर लोगों के माध्यम से आने वाले समय में और होने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा साथियों कि ऐसे अपने भारत यात्रा, देश विदेश की भी यात्रा होगी, और भारत की तो शानदार हमें हर समय मिलने वाली है। अभी जो शानदार गोवा ट्रिप का ऑफर चल रहा है, तो आप लोग ऐसे समय में खुद से एंजॉय करोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा साथियों। जैसे कि अभी हम लोग पिछले 2 दिन पहले, 2 दिन पिछले हम लोग MMCT फंड गए थे, वहां पर जितने साथी गए थे ना उन लोगों को पता होगा सर कि एक साथ घूमने फिरने और जीने का मजा क्या होता है सर, लेकिन जुबानी बताने का एक्सपीरियंस नहीं है सर, क्योंकि वहां पे गया हूँ, मुझे बहुत ही मजा आया सर, और मैं फील्ड में निकल चुका सर, सॉरी सर आपसे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। जी सही है, सही है। चलो थैंक यू धन्यवाद सर, थैंक यू सर। भगवती सर के लिए, एक बार डिजिटल और फिजिकल ताली होनी चाहिए साथियों। और मैं कुछ साथियों को देख रहा हूँ जो इनको मैं बुला सकूं। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? कुरैशी सर को बुलाना चाहूंगा मैं साथियों, जो कि कुरैशी सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। कुरैशी सर मेरा आवाज आ रहा है आप तक? आ रहा है सर, आ रहा है सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस पैनल में बोलने का मौका दिया। आप यहाँ से एक तो मनाली के बारे में बताएंगे, और दूसरा आजकल में हम लोगों ने अपने ही लोकल में, अपने ही आसपास के जगह में एंजॉय करके आए हैं, उनके बारे में बताएंगे। जी सर, जी सर, जी सर। मनाली तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान का एक खूबसूरत ऐसी जगह है सर, जहाँ पे यहाँ से बताने पे किसी को उस तरह का फीलिंग नहीं आएगा जो वहाँ जाने पर जो आता है फीलिंग, वो आता है, वो आएगा। वहाँ का जो पैराग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, इतना एंजॉय किए, इतना एंजॉय किए सर। अब वो सिंकुला घाट, जैसे अभी हमारे भगवती सर कह रहे थे कि सिंकुला टॉप में जो गए 16,580 फीट की ऊंचाई पे, तो लोगों को जो वहाँ के पहुंचने पर जो वहाँ का ग्रेविटी, वहाँ का जो एटमोसफियर जो हम लोगों को जो लगा, सारे लोगों का जो अनुभव हुआ वो
कोई बता नहीं पाएगा कि किस तरह से अनुभव हुआ, कैसे टाइप से लगा। सारे लोग एंजॉय किए। और एक ऐसी ऐसे जगहों पे हम लोग गए जहां पे, एक तो पहली बार गए वहां, उसी दिन खुला, जिस दिन हम लोग गए उसी दिन खुला वो जगह। और वहां पहुंचने पर पूरा मनाली में हल्ला हो गया कि 150 लोग वहां 1 घंटा रह के आए। ऐसे जगह पे गया, बहुत बेहतरीन सर। आवाज जो आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है, शायद तक आप फिर म्यूट हो गए हैं। नहीं हुआ सर, आवाज तो आ रहा है। हाँ अब आ गया, आ गया, आ रहा है, नहीं आ हुआ, रहा आ रहा है ना, है, आ रहा है, आ रहा आवाज है, आ आ रहा रहा है है, सर। आ रहा है सर, आ रहा है। और वहां पे क्या बोलते हैं, अपने याक की सवारी, माँ हिडम्बा की मंदिर जो है ना, वहां पे मस्त पानी गिर रहा था उस दिन। जिस समय हम लोग गए तो हल्का हल्का पानी गिर रहा था, और हिडम्बा मंदिर में सारे लोग दर्शन करने गए वहां पे पहाड़ी के ऊपर में। उसके बाद में रिवर राफ्टिंग किए। और इस दिन अभी हम लोग जो 2 4 दिन, 2 दिन पहले संडे के रोज हम लोग यहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, MM फन सिटी। वहाँ का मजा और क्या बताऊं सर, ऐसे जैसे उस जगहों पे अमर सर हमारे वीडियो भेजे हुए थे, और उसको आप देखेंगे ना तो देख के ही आपको लगेगा। मैं तो एक बार गया सर, उसके बाद दूसरे बार नहीं गया। दूसरे बार जाने के लिए रवि रवि सुनी सर जी और हमारे केयूर भूषण सर जो है ना, बार बार ये कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं गया। बहुत मजा आया इतना। अच्छा मैं पहली बार, मेरे गांव से मात्र 16 किलोमीटर है, मैं पहली बार गया हूँ वहां। धन्यवाद सर, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। ऐसे ऐसे एडवेंचर में हम लोग जाएंगे सर, ऐसे क्या बोलते हैं, जब भी हमको मौका मिले तो लोगों को वहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है तो पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होता है, आप खुलोगे भी, सीनियर के साथ मिलोगे, MD के साथ मिलोगे, सारे लोगों के साथ मिलोगे सर, यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अपना विचार रखा। साथियों जोरदार ताली होनी चाहिए कुलसी सर के लिए एक बार, जो है जो लोग भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो डायरेक्ट बजाएं या बाकी लोग डिजिटल बजा सकते हैं। चलिए साथियों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना, बहुत सारे थैंक यू लोगों सर, का थैंक भी यू। चुका है। साथियों इस व्यवसाय में किसी को भी ना काम में रखने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने एक दुकान खोला हुआ है और आपको अगर बिना उस दुकान पे बिना कोई एम्प्लॉय रखे आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका भी तो दैनिक काम रहता है ना, भूख आपको भी लगता होगा, सब चीज आपको भी लगता होगा। और उस कंडीशन में अगर आप दुकान छोड़ के चले गए, भूख लगता है उसके बाद नहीं जा पाते लोग, जो है कोई ग्राहक आ जाएगा, कोई कुछ उठा के ले जाएगा। लेकिन आप बताओ दोस्तों, इस व्यवसाय में आपने किसी को अपने नीचे काम में रखा है क्या? शायद नहीं। अब हो सकता है कात लोग रखे होंगे, इतने भी बोल सकता भाई, शायद नहीं। साथियों ये काम फुल्ली तरीके से, फुल्ली टेंशन फ्री बिजनेस है। अगर इस काम को हम ईमानदारी से कुछ दिन कर लेते हैं तो यह हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमको, मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यह बिजनेस एक आम का झाड़ा लगाने का है। ठीक, आम के झाड़, बगीचा सुने होंगे आप लोग, अधिकतर लोग गांव एरिया से हैं तो शायद जानते होंगे, बगीचा जानते हैं ना, आम के बगीचा, जाम के बगीचा, सीताफल का बगीचा, ऐसा वैसे कुछ सुनते होंगे। तो साथियों ये बिजनेस ना आम का बगीचा लगाने का है। उस आम को अगर हम आज लगाते हैं तो हम तो खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि 2 4 साल में फलना स्टार्ट हो जाता है वो, सही है? अगर सही सही ऊपर वाले ने रखा हमको तो उसको तो हम खाएंगे ही खाएंगे, हमारे परिवार वाले भी खाएंगे। लेकिन देखना दोस्तों, अधिकतर जो है राह चलते लोग ना पत्थर मार के 2 4 ठो गिरा के तोड़ ताड़ के वो लोग भी खाते हैं, खाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार हमारा बिजनेस है। आप आज सफल हो जाते हो, आप करोड़ रुपए कमा रहे हो, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है इस व्यवसाय से, तो आपके पास यदि भरपूर पैसे हैं तो आप लोगों का सहयोग भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे लीडर्स लोग करते हैं, है ना। जरूरतमंद लोगों का आप हेल्प कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। दोस्तों सोच के देखो कि आज कई सारे लोग हैं जो इस दुनिया में, इसी जगह हमारे भारत में ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई कई दिन तक के भूखे सोते हैं, क्या वैसे लोगों का हम सपोर्ट नहीं कर सकते?
लेकिन कब कर पाएंगे, जब हमारे पास भरपूर मात्रा में पैसे होंगे। सही है। बेसिकली हर व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए, जिस भी फील्ड में हो, किसी भी काम को हो, हर व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए। अपने अपने समय के हिसाब से कोई 8 घंटा करता है, कोई 12 घंटा करता है, कोई अलग अलग करते हैं। और फाइनली अगर मोटो मैं देखूं, उद्देश्य अगर मैं देखूं लोगों का, तो फाइनली पैसा ही आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अगर मैं फायदे की अगर गिनाने बैठूं साथियों, तो 8:30 बजे वाला ट्रेनिंग मुझे ही लेना पड़ जाएगा, उससे अच्छा है आगे बात करते हैं। अभी हम लोग MM फन सिटी गए हुए थे, बहुत सारे साथी छूट गए थे हमारे, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी ऑफर मिले आपको मौका मिलेगा। मैं कुछ कुछ चीजें वहां का बताना चाहूंगा साथियों। मैं एक तो ऑलरेडी इंजर्ड हूं, मैं पहले से ही लोगों को पता है, कुछ कुछ साथियों को हमारे, उसके बाद भी मुझे धर पकड़ के लेके जाया गया था, वो आधा कोटना वाला है ना, जहाँ पे शायद तक जो लोग गए वो लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आधा कोटना वाला मतलब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। वहां मुझे ले जाया गया, कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद अपन ऊपर निकल लिए। उत्तरा मैडम गए थे आप भी आधा कोटना वाले में? याद राम सर, आप लोग तो 5-7 बार गए भाई। दिलीप वर्मा जी को भी धर पकड़ के ले गए थे हम लोग, लेकिन ना हम लोग को जैसे जाते देखा ना, तो भाग के आ गए नीचे। आर्यन सर वगैरह लोग 5-7 बार गए भाई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आप लोग का। तो उसमें ले जाया गया था, और जब वहां से आया ना, तो ऐसा लगा कि भाई अपन बाल बाल बचे हैं, अब दोबारा उधर जाने का नहीं है, ऐसा अपने को लगा। लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जो बार 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 जा रहे थे, लड़ झगड़ के, वहां इतना भीड़ था, उसमें भी लड़ झगड़ के नए लोग आ जाते थे। और कुछ कुछ तो ऐसा था, कैप्सूल वाला था एक, जिसमें ऐसा हाथ पर रखवाते थे, तो कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता था कि नीचे जमीन ही नहीं है, गायब हो गया। उसमें तो अपन हिम्मत ही नहीं किए भाई जाने का, लेकिन हमारे कुछ सीनियर लोग गए हुए थे। और साथियों अब आगे हम बात करते हैं, अभी जो हमारे पास में एक सबसे बेहतरीन ऑफर चल रहा है गोवा का। सही है, एक गोवा का ऑफर चल रहा है, और गोवा मतलब अपने आप में ही एक अलग ही जगह है। वैसे भी एक हमारे एरिया में एक कहावत है, जो व्यक्ति इस दुनिया में है, मतलब इस भारत में है, और वो गोवा नहीं गया है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन दोस्तों इन चीजों को, उनके कहने को हम झूठा साबित करने वाले हैं जाके। कितने साथी हैं हमारे साथ जो गोवा जाने वाले हैं, चैट बॉक्स में बिल्कुल रिप्लाई करें। हम तो जा रहे हैं भाई, हम तो जा रहे हैं, याद राम सर भी जा रहे हैं, क्योंकि उनका मैं पोस्टर देख लिया हूँ आज। अमर सर भी जा रहे हैं, और उनके एक लक्ष्मी मेडिकल वाले हैं पार्टनर हैं, वो भी जा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों का फाइनल हो चुका है, बाकी लोगों को फाइनल करना है साथियों। ऐसी सर भी वही बोल रहा है, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बहुत सही, बहुत सही। जिनको जिनको जाना है, ईमानदारी से वाकई में रिप्लाई करो, क्योंकि आज करोगे तो आपका हो सकता है भगवान सुन रहा हो, देख रहा हो, तथास्तु बोल दे। क्योंकि किसी भी मंदिर में जाना भाई, किसी भी मंदिर में जाना, देखना हर भगवान का हाथ ऐसे रहता है, रहता है ना, हर भगवान का हाथ ऐसे रहता है। तो आप चाहे अच्छा मांगो चाहे बुरा मांगो, तथास्तु। बिल्कुल गोवा जाना है तो बिल्कुल रिप्लाई करते चले। रफीक जी भी बोल रहे हैं, मैं भी करके जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, क्योंकि समय नहीं है भैया, आगे 8 बजे वाला ट्रेनिंग अटेंड करना है। और सही, बहुत सारे साथियों को रिप्लाई आ रहा है, जिन्होंने भी ईमानदारी से रिप्लाई किया है उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और जिन्होंने नहीं किया है, विचार बनाइए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, है ना, गोवा कैसे जाना है, क्या करके जाना है, इसके लिए आगे और बहुत सारा सेशन होने वाला है, उनमें अपन जानेंगे कि आगे क्या क्या होगा, कैसे करके गोवा जाने वाले हैं अपन। और दोस्तों गोवा मतलब अपने आप में स्वर्ग है, जिस प्रकार मनाली के बारे में नहीं बताया जा सकता। चलो आ भी गया गोवा का, हमारे पास में पोस्टर आ भी गया। एक फ्रेशर दोस्तों, आज जो व्यक्ति ज्वाइन किया है, मात्र 40,000 रुपए की इनकम करना है उनको, एक गोल्ड को 50,000 रुपए की इनकम करना है,
वन स्टार और टू स्टार को मात्र 70,000 रुपये का, थ्री स्टार लोगों को 80,000 रुपया, बाकी उनके अबव लोगों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको बांटा गया है। हम बात करते हैं फ्रेशर और गोल्ड लोगों की। अगर एक फ्रेशर आज ज्वाइन किया है और वो पूरी ईमानदारी से अगर 200 लोगों का लिस्ट अपना खंगाल लेता है इन आने वाले दिनों में, पूरा 200 लोगों का लिस्ट को अपना समाप्त कर लेता है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ साथियों, तो व्यक्ति गोवा जाने वाला है साथ में। डिपेंड करता है कि आप उन 200 लोगों को कितना जल्दी खत्म करते हैं, उन लिस्ट को कितना जल्दी पूरा करते हैं। और जिनका भी लिस्ट नहीं बना होगा, आज के आज बैठ के बनाइए साथियों, क्योंकि वाकई में अगर जाना है, आपको लगता है कि जाना है, 100% होगा। क्योंकि इससे पिछले ऑफर में मैंने भी क्वालिफाई किया था, अब मुझे भी यही सब चीज बताया गया था जो चीज आप लोग को बताया जा रहा होगा। मनाली क्वालिफायर के लिए मैं अपने सीनियर के साथ बैठा हुआ था साथियों, उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले तो आप अपना लिस्ट बनाइए, लिस्ट में काम करिए, कुछ मेरे लिस्ट के लोग काम आए, कुछ मेरे डाउनलाइन पार्टनर के लोग काम आए। गोवा का दृश्य आप लोग को दिख रहा होगा साथियों, इतना बेहतरीन बेहतरीन जगह है वहां पे, वाकई में स्वर्ग लगता है वो। आगे देखते हैं, कई सारे लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं भाई वहां घूमने। ऑलरेडी गोवा को भारत का विदेश कहा जाता है, और अधिकतर मूवी, बहुत सारा मूवी गोवा में ही शूटिंग वगैरह होते रहता है, और शायद हम जाएं तो उस समय भी शायद शूटिंग वगैरह चलते रहे। देख पा रहे होंगे आप लोग, इस टाइप से स्टार, फिल्म स्टार लोग जो हैं एंजॉय करने आते हैं। ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे ना बहुत बहुत दूर तक जाने पे भी आपको नीचे दिखेगा। 40 से भी ज्यादा वहां पे ना प्लेस है दोस्तों, चर्च वगैरह है वहां पे, ऑलरेडी मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है गोवा का, जहाँ पे हम शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जिनको अगर बताने और समझाने बैठें तो वाकई में लेट हो जाएगा। तो आज का मेरा सेशन यहीं तक था साथियों। ठीक सर, थैंक यू सर। ऐसा फोटो कौन कौन खींच के लाना चाहेंगे भाई? नारियल वाला, ये उस समय तो अच्छा नहीं लगता जिस समय हम लोग खींचते रहते हैं, लेकिन जब बाद में देखते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जैसे विशाखापट्टनम गए थे तो हम लोग चश्मा का फोटो खींच के लाए थे, उस समय कुछ लोगों को लग रहा होगा इन लोग बेवकूफ है कि चश्मा का फोटो खींच रहे हैं, लेकिन भाई जब बाद में उस फोटो को देखा गया, लोगों को दिखाया गया ना, तो तहलका हो गया था। तो उसी प्रकार वहां भी जाके आप एक्टिविटी कर सकते हैं और अपना अपना फोटो खींच के, वहां पे फोटोग्राफर भी रहता है, और आजकल तो हमारा कैमरा मोबाइल ही हमारा फोटोग्राफर हो गया है, जहां मर्जी वहां खींचो, रील खत्म होने की टेंशन ही नहीं है। ये तो पहले क्या होता था, वो वाला कोटक वाला आता था, कर कर करने वाला खींचो, अरे भैया 35 ठो बस है देख के खींचना है, वो सिस्टम ही खत्म हो गया है। हजारों खींचो ना कोई दिक्कत नहीं है, और दोस्तों जब आके आप वहां से अपने परिवार वालों को, आपके रिश्तेदार वालों को दिखाओगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टूर का फोटो मेरे यहाँ रखा हुआ है, और जब भी कोई पारिवारिक में जो है कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो उनको उनके पास रख दिया जाता है कि आप टाइम पास करिए, है ना। अक्सर होता है एल्बम रहता है ना हर घर, हर किसी के घर में, वो एल्बम धीरे धीरे पलटा पलटा देखते रहते हैं। अच्छा यूहो गैरिस है, यूहो गैरिस वाला जब बात आता है ना, उस समय लगता है कि भाई छुटा गया अपन एल्बम जो बनवाए थे उसका। तो दोस्तों आपके पास भी वो मौका है, आप भी उस चीज को कर सकते हैं। और अभी जस्ट हमारे 8 बजे वाला ट्रेनिंग, हमारे भी काफी ग्रेट सीनियर मिस्टर रविकांत सोनी सर का होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों अपने अपने साथी को प्रमोट करें। यहाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 45 से 50 लोग लगभग लगभग यहाँ पे हैं, अगर एक एक व्यक्ति की भी कॉल करेंगे, अपने एक एक पार्टनर को भी कॉल करेंगे, तो लगभग 100 लोग तो यहीं के लोग उठ के चले जाएंगे वहां पे। और दोस्तों